मैनहंट इंडिया ने आज मैनहंट इंडिया 2019 के विजेता के रूप में मयूर गगवानी के नाम की घोषणा की। मुंबई में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद कबीर सादान, नेशनल हेड मैनहंट इंडिया, रितु सूद डायरेक्टर मैनहंट इंडिया की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया। आपको बता दें कि मैनहंट इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन गोवा में रेस्को डिस्कन मैनहंट इंडिया इंटरनेशनल इंडिया की उपस्थिति में किया गया, जहाँ 500 उम्मीदवारों में से टॉप 18 प्रतिभागी थे। Honestly, I was just very grateful to Kabir sir and Ritu ma'am, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को ये platform दिया, ये मौका दिया, मैं जहाँ पर कुछ करके दिखा सकता हूँ। और किस तरीके की preparation की, तो पहले तो I had to go through a very intense workout routine, and then I had to be in shape. और आई हैड टू वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस, माई स्पीकिंग स्किल्स, माई कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ऑल ऑफ दैट अल्टीमेटली पेड ऑफ। आप बताओगे कि वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आप कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से आते हो, और कितने यू नो कंपटीशन किस तरह से, कितने लोग थे, एंड वेयर वाज दिस हेल्ड? जी बिल्कुल, द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन गोवा, इन द सदर्न पार्ट ऑफ गोवा, एंड मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। And yeah, that's it. Maybe you आपसे जानना चाहेंगे like इस manhunt के बारे में, and then something about Mayur, like he won the title. तो क्या कहोगे, आपके लिए कैसी जर्नी थी, और how is the total process? ये process किस तरह से रहता है? देखिए manhunt, सबसे पहले मैं manhunt के बारे में बताना चाहूँगा। manhunt ये world का सबसे सबसे renowned और सबसे known male pageant है। ये लास्ट 30 ईयर्स से हो रहा है वर्ल्ड वाइड। पहले भी इस मैनहंट के थ्रू बॉलीवुड में बहुत से स्टार्स आए हैं, फॉर एग्जांपल जॉन इब्राहिम हो गए, देरा मोरिया हो गए, राजीव सिंह जो इंटरनेशनल विनर हैं इसके। ये हमारा इंडिया में इसका जो लाइसेंस हमें मिला है वो फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मोरिन वाडिया ग्रेट डेक्स करता था, बजाज भी करता था इसको। तो वैसे तो बहुत नॉन पेजेंट है ये हिंदुस्तान का, लेकिन ये इस साल हमें हमारे लिए करना थोड़ा और मुश्किल रहा। वो उसका रीज़न ये रहा है कि पिछले 4-5 साल से ये उस लेवल पे नहीं हुआ है इंडिया में जिस लेवल पे ये पहले होता था। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे लड़के मिले काफ़ी, बल्कि एक तो जो हमारा फर्स्ट रनर अप है वो उनकी हाइट 6.4 थी, वो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, वो फर्स्ट रनर अप थे। और हमने पूरे इंडिया में हर बड़ी सिटी, हर मेट्रो सिटीज़ में इसका ऑडिशंस किया, जहाँ से हमने बेस्ट लड़कों को हमने चुना, और फिर सबको जो बेस्ट अराउंड 500 कैंडिडेट्स हमने चुने थे, जिनमें से सेलेक्ट किए हमने फाइनल में 20, जिनमें से ये बेस्ट विनर रहे हैं, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड फिनाले में। और वर्ल्ड फिनाले होने वाला है मनीला में 2020 में, फेब के महीने में मनीला में। मयूर अब तो विनर हो गए हैं, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जैसे आपने उनको अगर देखा होगा या आपने उसको प्रूविंग किया था जब आए थे, एंड अब आगे इनको इंडिया से रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है, तो किस तरह की यू ये प्रोसेस रहेगा, किस तरह की मेहनत रहेगी इन पर, और क्या क्या चीज़ें इनको आगे फेस करना है उसके बारे में? 2 महीने पहले ये जब मुंबई में ऑडिशन हमने किया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑडिशन में, तो जिस टाइम ये आए थे तो फिट उस टाइम भी, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये उतने ग्रूम नहीं थे, उतने ट्रेंड नहीं थे, तो इन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, अपनी 6 एप्स निकाले इन्होंने, काफ़ी अच्छी फिटनेस इन्होंने बनाई, प्लस इन्होंने अपनी स्पीच पे, अपने लाइफस्टाइल पे, प्लस अपने पर्सनालिटी पे बहुत वर्कआउट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ये जीते हैं आज। So my association with the pageant is like I'm a director for India, and as far as Mayur is concerned, so he was a normal streetwalker guy who had some visions and he wanted to, you know, be something in the model agent, and fashion industry. So when he came for the auditions for the very first time, he had a lean body though he was quite fit, but we wanted him to be with some curves.
within a shape, right? Because you never know what is the requirement there whenever you get any project. And then this guy, he was so focused, be it diet. Why? Because you know he's from Rajasthan. So spicy food ko chhodna is a big deal. Yes. So he was having meals without salt. So that was something which is not possible. At least for me also, it's not possible. But he did that for continuously 3 months. And there is like, there are many restrictions diet mein. So wo inhone follow kiya strictly being alone, like अगर मुंबई में अंडर ट्रेनिंग है तो अकेले रह रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, फिर भी अपने आप को उस तरह से रखना एक स्ट्रिक्ट रिजीम में, इट्स लाइक बहुत बहुत बड़ी डील है. तो यस, ही इज डन अ लॉट. जैसे कभी इनकी ने कहा कि पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से आपको मार्क जो पेजेंट होना चाहिए था मैन हंट को, तो नाउ व्हाट आर द यू नो फर्दर स्टेप्स टू ब्रिंग इट टू द लेवल एंड गोइंग अबव और हायर लेवल, व्हाट प्लान यू आर हैविंग. सो फॉर एनी ब्रांड एक जागरूकता मार्केट में होनी बहुत ज़रूरी होगा. उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस पेजेंट से उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका क्या लेवल है और क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं. तो ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, बिकॉज हमारे इंडिया मार्केट में कोई भी पेजेंट हो जाता है, किसी भी नाम से हो जाता है और कोई कॉपीराइट या पेटेंट नहीं होता है. तो मैनहंट जो एक ओरिजिनल फॉर्म है पेजेंट का, मेल मॉडल का, तो उसके भी काफ़ी सारे रेप्लिकाज हैं मार्केट में. तो इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रॉस्को डिकिंसन, वो हमारे साथ पहले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने अनाउंस किया था, और इस बार भी फिनाले में थे. नंबर वन. नंबर टू, जो हमारा क्वालिटी ऑफ मॉडल्स है, इनको काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी एक लंबे प्रोसीजर के बाद सिलेक्ट किया जाता है. तो उसके बाद इन पर काम किया जाता है सो दैट वी कैन शो बिफोर एंड आफ्टर प्रोफाइल. Coming to you again, yes. Like, you know, who was your inspiration, like what was your thought process like when you entered this thing, and abhi aap jeet gaye ho to uska shrey like kisko dena chahoge? Okay, my thought process was like when I entered, I had no idea, I had no sense of direction basically. Main kis taraf ja raha hu, कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा उधर तक, आई हैड नो आइडिया. आई हैड जस्ट एंटर्ड द ऑडिशन, आई क्लियर्ड इट. उसके बाद से आई वॉज इन टच विथ रितु मैम एंड कबीर सर, एंड देन मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की. आई आस्क्ड देम कि आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस शो से, लाइक मैनहंट से, मैनहंट के इंडियन विनर से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो बस मैंने इन लोगों से पूछा, एंड देन अपना थोड़ा ब्रेन लगाया और लग गया मैं तैयारी पे. मेरे जीतने का श्रेय जाता है ब्लूम फेयर प्रोडक्शंस को, अहमद सर, मृतु मैम. इट वाज अमेजिंग. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. एंड लाइक ड्यूरिंग द कंपटीशन मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे शेप में थे और काफ़ी, एंड दे वर ऑल वेरी वेल ग्रूम्ड.